गुमला झारखंड का एक जिला, प्राकृतिक सुंदरता से धन्य। गुमला जिला को हरे भरे घने जंगलों, पहाड़ी वादियों और कलकल करती नदियों से प्रकृति ने स्वयं को संवारा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं अजीत बैकपैक। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड के गुमला जिला के अमेजिंग फैक्ट्स, वहाँ के सुंदर प्राकृतिक दर्शनीय स्थलों और पर्यटक स्थलों के बारे में, और यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों और यहाँ के वीर सपूतों के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं गुमला जिला के इतिहास के बारे में। गुमला जिला 18 मई 1983 को अस्तित्व में आया था। यह पहले पुराने रांची का उप विभाजन हुआ करता था। दोस्तों, गुमला के नामकरण का इतिहास बड़ा ही रोचक है। अगर बुजुर्गों की माने तो इसके पीछे दो कहानियां प्रचलित हैं। एक समय था जब गुमला में कोई भी गांव नहीं हुआ करता था, और तब यहां एक मेला लगा करता था जिसे गौ मेला कहते थे। लोग दूर दूर से यहां अपने कृषि कार्यों की जरूरत के लिए और बैलगाड़ियों के लिए मवेशियों का क्रय विक्रय करने के लिए यहाँ आते थे। धीरे धीरे यहाँ दूर दूर से आने वाले लोग बसने लगे और इस स्थान का नाम गौ मेला के व्युत्पत्ति से गुमला हो गया। आपको बताते हैं गुमला जिला के प्राकृतिक संसाधनों और यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के बारे में। गुमला जिला का कुल क्षेत्रफल है 5,21,000 हेक्टेयर, जिसमें से 1,35,000 हेक्टेयर वन भूमि है, यानी कि कुल क्षेत्र का 27% क्षेत्र हरी भरी वन भूमि है, जिसमें सखुआ यानी साल, गमहर, करंज, केंदुपत्ता, आम, कटहल, आंवला, जामुन, बहेड़ा, बांस, नीम जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। गुमला जिला खनिज पदार्थ से भी धन धान्य है और यहाँ कई तरह के खनिजों का उत्पादन होता है। बिशुनपुर प्रखंड के अमकी पानी, लंगड़ा टाँड, चिरोडी, जालिम, नरमा, बहागड़ा और चैनपुर ब्लॉक के लैंग टाँड, लुपुंगपाट और घाघरा के कुछ गांवों में बॉक्साइट और लेटेराइट, जो एल्यूमिनियम के अयस्क हैं, पाया जाता है। इसके अलावे कई जगहों में चिकनी मिट्टी भी पाए जाते हैं। गुमला जिला में कई नदियों के जाल बिछा हुआ है, जिनमें शंख नदी, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल आदि प्रमुख हैं। दोस्तों, बता दूं कि शंख नदी का उद्गम स्थान चैनपुर ब्लॉक के एक छोटे से नाले के रूप में उसका उद्गम होता है, और पहाड़ों से, जंगलों से बहते हुए जब वह पठारी के इलाके में आता है तो वह एक बहुत बड़े नदी का रूप ले लेता है। गुमला जिला का सबसे बड़ा डैम इसी नदी पर बना है, जिसे अपर शंख डैम या नवगोई डैम के नाम से जाना जाता है। यहाँ लोग घूमने भी आते हैं। गुमला जिला में सिंचाई और मछली पालन के लिए नदियों को बांधकर कई डैम्स का निर्माण किया गया है, जिसमें जयपुर डैम, कतरी डैम, कांस डैम, मसरिया डैम, तपकरा डैम, नवगोई डैम आदि प्रमुख हैं। गुमला जिला में 3 सब डिवीजन हैं, गुमला, चैनपुर और बसिया। झारखंड राज्य निर्माण के बाद गुमला जिला से काटकर एक नया जिला सिमडेगा का निर्माण 30 अप्रैल 2001 में किया गया था। गुमला जिला एक जनजातीय बहुल्य क्षेत्र है। यहाँ नागपुरी, सादरी और हिंदी के अलावा खड़िया, उरांव, मुंडा आदि भाषाएं भी बोली जाती हैं। मुख्य आर्थिक गतिविधियाँ कृषि और वन उत्पादों पर आधारित है। यहाँ मुख्य रूप से धान, सब्जियाँ, मक्का, दाल उपजाए जाते हैं। तिलहन में यहाँ सरगुजा, जिसे बोलचाल की भाषा में जटंगी कहते हैं, करंज का तेल, कुसुम का तेल और महुआ के बीज, डोरी का तेल भी किया जाता है। वन उत्पादों में देखा जाए तो महुआ, आम, साल के बीज, लाह, केंदुपत्ता, करंज, रेशम के कोकून आदि प्रमुख हैं। इसके अलावे गुमला जिला की अर्थव्यवस्था पशु विकास, खनिजों का उत्खनन और अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों पर भी निर्भर करता है। यदि मानव संसाधन की बात करें तो गुमला जिला का सेक्स रेशियो है 993, यानी
प्रति 1000 पुरुष पर 993 महिलाएं हैं और यह सन 2011 के सेंसस के अनुसार है। लिटरेसी रेट यानी शिक्षा दर की बात करें तो यहाँ औसत शिक्षा दर 66.41% है, जिसमें पुरुष शिक्षा दर 75.55% है और महिलाओं का शिक्षा दर 55.9% है। गुमला शहर में कई राजकीय प्राथमिक मध्य एवं उच्च विद्यालय हैं, जिनमें एसएस हाई स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, एसएस बालिका विद्यालय आदि हैं। हिंदी माध्यम स्कूलों में संत इग्नासियस उच्च विद्यालय, संत पात्रिक स्कूल, संत अन्ना कॉन्वेंट, उर्सुलाइन कॉन्वेंट, धर्म स्कूल, सरस्वती शिशु मंदिर आदि हैं। अंग्रेजी माध्यम की बात करें तो नोटरे डेम, डॉन बोस्को, ऑक्सफोर्ड, डीएवी आदि उत्कृष्ट शिक्षा के लिए जाने जाते हैं। शहर में पालकोट रोड पर स्थित है कार्तिक उराव कॉलेज गुमला, जहां इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर की पढ़ाई होती है। यह कॉलेज रांची विश्वविद्यालय का एक अंगीभूत कॉलेज है। यहां इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का भी अध्ययन केंद्र है। यहां कार्तिक उराव बीएड कॉलेज भी है, जिसका अलग से कैंपस भी है। गुमला जिला में कई पर्यटक स्थल भी हैं, जिनमें टांगीनाथ धाम, हीरादह, नागफेनी, अंजन धाम, बागमुंडा जलप्रपात, गोबर सिल्ली, पंपापुर पालकोट, डोईसागढ़, हापा मुनि, देवाकी आदि प्रमुख हैं। 1971 के पाकिस्तान और भारत के युद्ध में पाकिस्तानी टैंकरों को ध्वस्त करने के वाले शहीद अल्बर्ट एक्का, जो परमवीर चक्र विजेता थे, उनका भी जन्म इसी गुमला जिला में हुआ था। दोस्तों, ये बहुत कम ही लोग जानते हैं कि ब्रिटिश काल में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का बिगुल फूकने वाले तेलंगा खड़िया, जो एक आदिवासी जननायक थे, उनका भी जन्म इसी धरती, इसी जिला गुमला जिला में हुआ था। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप गुमला जिला के निवासी हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे गुमला जिला के बारे में जानें। और आपको यह वीडियो कैसा लगा, ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना विचार प्रकट करें।